हेलो फ्रेंड, जब भी हम जेट प्लांट की बॉन्जाई बनाते हैं तो बहुत सारी कटिंग्स निकलती हैं, तो वही कटिंग्स आज हम लगाने जा रहे हैं। तो कुछ लंबी हैं, कुछ बीच की हैं और कुछ बहुत छोटी हैं। बहुत छोटी के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स होती है और बड़ी छोटी है जैसी भी हो, सभी की नीचे से हमें अपनी सारी पत्तियों को निकाल लेना है। उसके 4-5 घंटे बाद या 12 घंटे बाद आप इसको लगाइएगा ताकि इसका कट एरिया ड्राई हो जाए। यदि कट एरिया ड्राई नहीं हो पाता है, तुरंत हम लगा देते हैं, तो इसकी जो कट एरिया होता है वहाँ से हमारे स्टेम्स गलने स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर फंगस लगने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसको ड्राई कर लीजिए, क्योंकि इसके स्टेम में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि 24 घंटे तक भी हमारे स्टेम्स ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन हम 24 घंटे से ज़्यादा इसकी स्टेम्स को नहीं रख सकते। 24 घंटे से पहले पहले ही हमें इन कटिंग्स को लगा लेना है। इसकी पॉटिंग सॉइल के लिए हमें रेत मिली मिट्टी का यूज़ करना है। बरसात के समय में हर तरह के पॉटिंग सॉइल में इसकी कटिंग्स लग जाती है। ये सारी कटिंग्स जो इस पॉट में लगी हुई हैं, पहले से वो अप्रैल मई में लगाई हुई थी और छोटी से छोटी कटिंग्स भी चल चुकी हैं। जो हमारा प्लांट वीक प्लांट से हमने कटिंग्स ली थी, वो प्लांट्स की कटिंग हमारी नहीं चली है और हेल्दी प्लांट्स की कटिंग हमारी सभी सक्सेस हो चुकी है। अब बारी आती है हमारी छोटे से छोटी कटिंग्स की। तो जो 2 पत्ती वाली हमारी कटिंग्स हैं, उनको हम कोकोपीट में लगाएंगे। नीचे हमारी मिट्टी है और ऊपर हमने कोकोपीट रखा है A1 इंच का, और उसके ऊपर हमें सिर्फ इन पत्तियों को रख देना है और थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रे करना है। अगर बारिश हो जाती है उस समय जब हम इसको लगा रहे हैं, तो इसको बारिश में रखिए। इस समय बरसात के दिन हैं तो बारिश में ही अपने प्लांट्स को रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन जैसे ही हमने इनमें कटिंग्स लगाई, तभी हमारी बारिश हो गई, तो ये बहुत ही अच्छा है कि जब भी बारिश हो तभी आप कोशिश कीजिए अपने प्लांट्स और कटिंग्स लगा